अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आ सकती है क्या? यदि जवान बेटी हो घर में, कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं हो, माता पिता सो नहीं सकते। इस दर्द को समझा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वो गरीब किसान के घर में पैदा हुए। धन्यवाद का स्वागत करें श्रीमती लीला आचार्या, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला दोनों, लक्ष्मी नारायण पति और पत्नी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। बहादुर मुकादी उस रात से और मंत्र फूका, एक ब्रह्माणी बनी, एक लक्ष्मी बनी और एक पार्वती बनी, तीनों ने विवाह कर लिया। पर जब भी ये माताएं जानती है, रात कभी भी पूरी आप तोड़ नहीं सकते, पूरी इकट्ठी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो बच जाती है। भागवत में जो कहा गया है कि शिव जी ने क्या किया, वो रात भूख से उड़ाई, जैसे ही भूख से उड़ी वो भारत में आके गिरी। और इसलिए कहते हैं कि भारत की देवियों में पराम्बा का अंश है, इसलिए हम हमेशा उनकी पूजा करते हैं। हमारी श्रद्धा है, यदि हमने लाडली बहना योजना इन महिलाओं को दी तो महिला सशक्तिकरण का प्रमाण। कल ही देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित किया के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी को बुलाती हूँ। तो बोले विवाह करना पड़ेगा, तो परम्बा ने कहा कि उससे विवाह कौन करेगा। परम्बा अपार शक्ति थी, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, विष्णु जी ने ही मना कर दिया, पर शंकर जी ध्यान में बैठे और उन्होंने कहा कि एक शर्त है, आपकी तीसरी आंख बहुत सुंदर है, ये तीसरी आंख मुझे दे दीजिए। परम्बा मां तैयार हो गई, उनने शिव जी को तीसरी आंख दे दी। तीसरी आंख जैसे शिव जी को लगी, पर ये नहीं बताया शिव जी को कि अगर इसको खोलोगे तो जो सामने खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। शिव जी को एकदम कौतूहल हुआ, आंख लग गई, उन्होंने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, सामने परम्बा की भस्म हो गई, रात का ढेर पड़े। ये देवी भागवत में तो ब्रह्मा और विष्णु घबरा गए, क्या हुआ, राजनीतिक दृष्टि से बन पाएगी, लोकसभा विधानसभा में बैठ पाएगी। मैं चाहता हूँ मातृशक्ति, आपको इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने दिया है, जरा ताली बजाकर आशीर्वाद दे देंगे आप। हमारे पुरुष भाई की ताली जरा कम कर दी, उनको लगता है कि हमारा हक दे दिया। अरे भाई, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर टांगा बैलगाड़ी चलाओ तो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा हो एक बड़ा हो तो बैलगाड़ी चल सकती है क्या, पता चल सकती है, दोनों बराबर होना चाहिए। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, वो सेंट्रल हॉल में गए थे और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा, जो कहा वो करके दिखाया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और महिलाओं का बिल पास करने का काम हमारे। तो उठाकर संकल्प लेना, मुट्ठी बांधकर हनुमान जी की बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य स्वागत देखने को मिला, यात्रा को लेकर क्या गाएंगे आप आज? जन आशीर्वाद यात्रा को देवास में जो जनता ने प्यार दिया और जो आशीर्वाद दिया उससे अभिभूत हूँ। पूरी देवास की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से, जिस तरह से उन लोगों ने घर से बाहर निकल के सबका स्वागत किया, और इतनी मेहनत से हम लोगों ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने विधायक के रूप में, उसको
आज कहीं ना कहीं सराहना मिली तो उससे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा की तरह देवास परिवार है मेरा, उन लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए हृदय हृदय से। अच्छा, कैलाश जी को महिला शक्ति देखने को मिली देवास में, क्या कहेंगे, उन्होंने दो शब्द किया है? महिला शक्ति देवास में देखने को मिले, हमेशा से वो कहते ही है देवास एक महिला शक्ति का केंद्र है, हमेशा से वो इस चीज को बोलते हैं। बहुत खुश होकर गए हैं वो जिस तरह से स्वागत देवास में हुआ, और हमारे बहुत बड़े नेता हैं देवास देवास इंदौर अंचल के ही पूरे प्रदेश के, वो आज इस यात्रा में मुख्य अतिथि हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रही है, आपने मंच से भी कहा, क्या आपका कहना है? भाई पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अपार, कल हम इंदौर में थे, रीवा सतना ग्वालियर सब दूर गए, जबरदस्त आशीर्वाद है जनता का, विशेषकर मातृशक्ति का। और हमारा दावा है कि जो समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यही बहुमत से कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकल रहा है। भाई जन आक्रोश उनके खिलाफ है क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया, गुरुजियों के साथ धोखा किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है और इसलिए उनका।